रोहतास जिले के सासाराम में पुलिस गश्ती के बीच राज कॉलोनी में बेखौफ चोरों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए एक घर में भीषण चोरी की घटना को अंजाम देकर आराम से चलते बने। गृह स्वामी संतोष कुमार पांडे ने बताया कि खिड़की तोड़कर चोरों ने नकदी आभूषण समेत अन्य सामान के लाखों की चोरी कर ली। नगर थाना सासाराम के समीप स्थित राज कॉलोनी में घटी यह चोरी की घटना के बाद पुलिस पर सवाल खड़े होने लगे हैं। राज कॉलोनी के समीप स्थित सासाराम नगर थाना क्षेत्र के पास एक भीषण घर में चोरी की घटना पर लोगों ने पुलिस के प्रति रोष व्यक्त किया। हम लोग शहर में सो रहे थे और अंदर से दरवाजा बंद था जी। हम लोगों ने सोचा कि आखिर जब कोई है नहीं तो अंदर से दरवाजा कैसे बंद हो सकता है जी। तो हम लोग बाहर जाकर देखे तो खिड़की तोड़ के खिड़की के द्वारा अंदर आके दरवाजा अलमारी का पूरा तोड़ के 20 लाख का गहना, 50,000 कैश और कुछ जरूरत सामान भी जो है वो सब खिड़की से लेके भाग गया। कहाँ का मामला है? यह राज कॉलोनी गली नंबर 4 का। आपका नाम? मेरा नाम मनीष पांडे हुआ। बाहर दूसरे रूम में सब कुछ सोया हुआ था, इसमें बंद था, बाहर से बंद था, बंद ग्रिल तोड़ के जा करके तोड़ के ले गया। अंदर से दरवाजा बंद कर दिया है। सुबह आदमी देखा तो बंद था, तो देखा गया तो उधर से तोड़ा हुआ है। उसके बाद देखे तो सब आदमी मिला तोड़ के सब निकाला है। कैसे पता चला आप लोगों को? दरवाजा सुबह में खोला गया तो नहीं खुला अंदर से जी। तो देखा गया का है, कोई आए नहीं तो कैसे दरवाजा अंदर बंद कैसे है। बाहर जाकर देखा गया तो देखा गया ग्रिल तोड़ा हुआ है। ग्रिल तोड़ा हुआ तो समझ मिला दिखाई दे रहा, सब तोड़ा हुआ है, तोड़ सब छितराया हुआ सामान। कितने का चोरी किया गया? पूरा गहना मेरा था, मेरा बहू का था, इसमें समूचा गहना था, कुछ नगद था, 10-20 का एक का पट्टी था। क्या नाम हुआ आपका? रीता कुमारी।